नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। विश्व जल दिवस पर जालौन में विलुप्त होती नदी के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया। शासन द्वारा चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान कार्यक्रम के तहत डकोर विकास खंड के ग्राम कुकर गांव से निकली नून नदी के किनारे सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा व डीएम प्रियंका निरंजन की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक व डीएम ने नदी में फावड़ा चलाकर श्रमदान किया। साथ ही उन्होंने नदी व जल संरक्षण की इस मुहिम में लोगों से जुड़ने की अपील की। बता दें कि जालौन से निकली नून नदी विलुप्त होती जा रही है। जालौन के 69 किलोमीटर के दायरे में फैली इस नदी से करीब 30 गांवों की फसलें सिंचित होती थी, लेकिन बुंदेलखंड में पड़ रहे सूखे के कारण यह नदी विलुप्त होती जा रही है। सोमवार को विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान के तहत इस नदी के संरक्षण के कार्य की शुरुआत की गई। नदी में मनरेगा के तहत खुदाई का कार्य जारी किया गया, जिससे कि वर्षा के जल का नदी में संचयन हो और एक बार फिर यह नदी किसानों के लिए जीवनदायिनी बन सके। कार्यक्रम में सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने नदियों के संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान चलाया है। विश्व जल दिवस के मौके पर अभियान के तहत नदी के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान किया गया है। इसके तहत नून के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें मनरेगा व जन सहयोग से पुनः इस नदी में वापस जलधारा लौटेगी। इससे आसपास के इलाकों का वाटर लेवल भी बढ़ेगा और किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। ये थी राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट। मैम, सभी की तरफ लुक रखिएगा थोड़ा। रोड रोड मैम, आज ये नून नदी का कायाकल्प की योजना शुरू की है, क्या इसका मकसद है और कितने ग्राम गांवों को इसका फायदा पहुंचेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स अभियान का जो शुभारंभ किया गया है, उसके अंतर्गत है कि जहां भी बारिश हो उसको वहीं संरक्षित करें। और ये जो नदी तालाब इत्यादि प्राकृतिक इकाइयाँ हैं, ये सब वर्षा जल के संरक्षण के बहुत अच्छे माध्यम है। यहाँ जालौन जिले की एक बहुत पुरानी नून नदी थी, जो कि दो स्थानीय नालों को मिलकर बनती थी और स्थानीय क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती थी, लेकिन समय के साथ इसमें बहुत सिल्टिंग हो गई है, नदी का स्वरूप कहीं खो गया है। तो नदी को अपने मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए हम आम जन सहभागिता और मनरेगा का प्रयोग करते हुए इस नदी के पुनरुज्जीवन का अभियान हमने माननीय प्रधानमंत्री के और माननीय मुख्यमंत्री की पहल के अंतर्गत शुरू किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वर्षा काल से पहले नदी के मूल स्वरूप को लाने में काफ़ी हद तक हम अपने प्रयास करेंगे, ताकि इस क्षेत्र की जो पेयजल की समस्या है उसके समाधान करने में एक छोटा सा योगदान हमारा प्रशासन दे सके। मैम, कितने किलोमीटर की ये नदी है और इसमें गांव कितने, मतलब इसमें ये अभी जो हमने प्राइमरी सर्वे करवाया है उसके अनुसार लगभग 89 किलोमीटर की नदी है, जो 30 गांवों से होकर और तीनों विधानसभाओं से होकर जाती है। तो इसको मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए मनरेगा और जन सहभागिता का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है विधायक जी, आज प्रोग्राम किया गया है नदी जीर्णोद्धार का, क्या कार्यक्रम है और कैसी पहल है? आज जल दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जल को संरक्षण कैसे हो, इसलिए जो नदी या नाले या जो बड़े बड़े झरना उद्गम थे उन सबको, वो नदियाँ 100 साल पुरानी नदियाँ हैं और ये नदी नून नदी जो है 69 किलोमीटर जहाँ से शुरू हुई है वो बेतवा तक 69 किलोमीटर की ये नदी है और इस नदी के आसपास 30 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, वहाँ से होकर ये गुजरती है। उन ग्राम पंचायतों का में सिल्ट मिट्टी जम गई है, पन्नी आ गई हैं, इसलिए वो उनका स्रोत बंद हो गए थे, इसलिए वो सूख गई हैं सब नदियाँ। इसलिए देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नदियों को साफ करके, उनकी मिट्टी को साफ करके जो बरसात का पानी हो उस नदी में संरक्षण हो और उस नदी में जब पानी रुकेगा तो वाटर लेवल अपने आप ठीक रहेगा, जो आसपास के गाँव के या हैंडपम्प सूख जाते हैं वो सूखने से बचेंगे और इस नदी से इस जनपद की जो 70 किलोमीटर की दूरी है आसपास के खेतों की सिंचाई इसी नदी से पहले होती थी, इसलिए इस नदी को साफ किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस नदी से हजारों किसानों की जल सिंचाई होगी, निश्चित रूप से किसान समृद्धशाली बनेगा। इसी अवसर पर आज हम सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। धन्यवाद।